पूरे बिहार में आज नगरपालिका आम निर्वाचन चुनाव के पहले फेज का चुनाव जारी है। इसी क्रम में पूर्वी चंपारण जिले में दो क्षेत्र ढाका नगर परिषद और केसरिया नगर पंचायत में भी चुनाव जारी है। और मैं इस वक्त केसरिया नगर पंचायत के राजकीय प्राथमिकी विद्यालय हिंदी जो आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, यहाँ पे हम मौजूद हूँ। यहाँ पर 7:05 से पर जो मतदान शुरू हुआ था, अभी तक लगातार मतदान जारी है। लोग भारी संख्या में घर से निकलकर आकर अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं और लाइन में लगे हुए हैं, कतारबाद होकर एक एक वोट का अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जो मेरे बाएं साइड देखा है, यहाँ पर दो भाग में मतदान केंद्र बनाया गया है। ये आदर्श मतदान केंद्र है, यहाँ हर तरह की सुविधा भी प्रदान की गई है। और मैं बता दूं, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि मेरे लेफ्ट साइड में जो है वो 7x7.01 मतदान केंद्र संख्या है और इधर दूसरा मतदान केंद्र संख्या, यानी दो मतदान केंद्र संख्या यहाँ पे मौजूद है। और बड़ी बेहतरीन तरीके से और शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ मतदान जारी है। आइए, कुछ लोग जो महिला है जो वोट देने के लिए अपने लाइन में खड़ी, उनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? कितने देर से लाइन लगी है? मतलब आधा घंटा से ज्यादा। अच्छा, कोई ऐसे असुविधा गर्मी की वजह से, परेशानी या कोई प्रशासनिक? मतलब गर्मी पड़े पड़ेगा तो क्या नहीं। अपने आज प्रतिनिधि का चुनाव करने जा रही है, कैसा महसूस कर रही है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले जलपान, उसके बाद पहले मतदान, फिर जलपान? जी। आपका नाम क्या हो? राजनंदी। आप वोट देने कितने बजे आई यहाँ पे? आधे घंटे हुआ। अच्छा, अभी तक अभी आपका नंबर नहीं है, लंबी लाइन है। जी, क्या कहना चाहेंगे आज वोट का इस्तेमाल? लास्ट टाइम आप वोट कब दी थी? ये 2018 में हुआ था। अच्छा, 2018 के बाद अभी वोट दे रही हैं, तो आज आप वोट देने जा रही हैं। आपके एक वोट से एक मतलब एक किसी प्रतिनिधि का चुनाव होना है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे क्या करेंगे? अच्छा लग रहा है, मतलब कि अब आगे वोट देने के बाद ही क्या कह जाए। किसी तरह का कोई असुविधा, गर्मी की वजह से परेशानी, कोई प्रशासनिक असुविधा? हाँ, थोड़ा तो गर्मी मतलब लग ही रहा है, मतलब और कुछ प्रॉब्लम नहीं। प्यास की शिद्दत? हाँ। पानी की सुविधा है यहाँ? जी है, चूँकि ये आदर्श मतदान केंद्र है। जी जी, तो यहाँ पे सब चीज का सुविधा है। अच्छा जी, किसी तरह कोई परेशानी नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं, मतलब ये जिद है कि वोट देकर ही जाएंगे? जी जी जी, पूरा। क्या कहना चाहिए? जी सही है, अच्छा है। अधिकार छोड़ना भी नहीं चाहिए जी, अपना अधिकार कैसे छोड़े, जितने देर लगे उतने देर में अपना वोट गिरा के जाएंगे। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लाइन में खड़ी कुछ महिलाओं से मैंने बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह की परेशानी हो, गर्मी हो, प्यास हो, लेकिन हम जो अपने अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे। मतदान का अधिकार जो है एक बहुत बड़ा अधिकार है इस लोकतंत्र में, यानी हम अपना एक वोट देकर ही घर वापस जाएंगे। आप देख सकते हैं कि केसरिया का ये किशन नगर पंचायत के ये आदर्श मतदान केंद्र है, यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से सुविधा है, लोगों को बैठने के लिए भी यहाँ चेयर का इंतजाम किया गया हुआ है और भव्य पंडाल का भी व्यवस्था किया गया है। मैं प्रशासनिक व्यवस्था की बात करूं तो चकिया अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। हर बूथ का निरीक्षण किया जा रहा है, हर बूथ पे पेट्रोलियम जारी है और किसी तरह की कोई प्रशासनिक चूक न हो, इसको लेकर प्रशासन या केसरिया प्रशासन और चकिया अनुमंडल पदाधिकारी SS पांडे काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में केसरिया के 200 बूथ पर चुनाव यानी मतदान जारी है। अफसर कमाल, STV न्यूज़, केसरिया।